नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज बंगाल से दिल्ली तक घमासान छिड़ा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दिल्ली में आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल की शराब नीति के सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। बीजेपी का आरोप है कि जांच होगी तो मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। तो ये दिल्ली से मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर कोलकाता की है, जहां पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अर्पिता हिरासत में है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बवाल मचा हुआ है, सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल से तस्वीर सामने आई है, जहां पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल के सीबीआई जांच के आबकारी नीति की जांच के आदेश दिए जाने के बाद अब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। कार्यकर्ता उन सभी को यहाँ पर रोका जाएगा। जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके हाथ में किस तरीके के पोस्टर्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे इस तरीके के पोस्टर्स है, जिसपे लिखा है बंद करो, बंद करो, शराब के ठेके बंद करो। ये जो नई शराब नीति है, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब इसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी की जो एक एडवाइस है वो एलजी ने कर दी। हमारे केजरीवाल की सीधी सीधी योजना है कि दिल्ली के युवा बर्बाद हो। आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई एक के साथ एक चीज दारू फ्री दे रही हो। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई केजरीवाल को, जब जरूरत की चीजें एक के साथ एक फ्री नहीं दी जा रही, और आज दारू को लेकर वो इतने खुलेआम बोल रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री लीजिए। और सभी रेजिडेंशियल एरिया में, सभी बाजारों में इतने बुरे हालात हो चुके हैं। सब महिलाएं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, महिलाएं इतनी परेशान है, जहां वो अपने पतियों को, अपने बच्चों को लेके दारू से डरती थी, और आज वो देख रही कि क्या एक फ्री दिया जा रहा है। लोग खुलेआम शराब का नंगा नाच चल रहा है, और इसके सीधे सीधे तौर पे मैं केजरीवाल इसके पीछे है। केजरीवाल चाहता है दिल्ली की जनता, दिल्ली का युवा नशेड़ी बने और बर्बाद हो। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये जो नीति है, नई नीति है, दिल्ली के फायदे के लिए है। 13,000 करोड़ का मुनाफा भी इसमें हुआ। देखिए, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, इससे हर घर बर्बाद हुआ है। जो युवा पढ़ने के लिए जाता था, काम के लिए जाता था, अब वो एक के साथ एक शराब मिल रही है फ्री, उसका भरपूर फायदा उठा रहा है और वो शराब में डूबा हुआ है। इससे दिल्ली के हर घर बर्बाद हो रहे हैं। केजरीवाल जी को तुरंत ये नीति बंद करनी चाहिए और दिल्ली को बचाना चाहिए, नहीं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तस्वीरों में दिखाऊंगा कि तमाम जो महिलाएं भी हैं वो भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो रही हैं, और मांग सिर्फ इतनी कि दिल्ली में जिस तरीके से शराब की बिक्री खुले तौर पर हो रही है, एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा है, उसका ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं। और आप देखेंगे जो पोस्टर्स यहाँ पर, उसमें भी साफ तौर पर लिखा है महिलाएं बच्चे आगे। ये जो नीति है, इस पर तो दिल्ली सरकार कह रही है कि फायदेमंद है, दिल्ली सरकार को काफी फायदा हो रहा है इस नीति से। इस नीति से हमारे घरों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। नशे का, जो आदमी दिल में डेली शराब पीता है, ठेके वालों को मुफ्त में दो बोतलें मिल रही हैं, और इस नीति से बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमने खुद अपने ठेके, हमारे यहाँ के वार्ड के, मैंने एक ठेका बंद कराया था। 18 दिन धरने पे बैठ के भी हमने एक ठेका बंद कराया था, और इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदारों की मिली भगत है, और इससे घर बर्बाद हो रहे हैं और महिलाएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम ये मांग कर रहे हैं, जो भी ठेके नहीं है, ठेके नहीं, ज्वेलरी शॉप बनाइए, अंदर घुस के आप तरीके से छाटिए और बाय वन गेट वन फ्री लेके जाइए। जो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमको इससे बहुत फायदा हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं मानता हूँ इससे फायदा होगा, लेकिन लोगों को जो नुकसान हो रहा है, जिन महिलाओं को तुमने बस फ्री दी है, उन महिलाओं के घरेलू हिंसाएं कितने बढ़ गई है, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उनसे, महिलाओं से जाके कभी पूछा इस शराब का क्या, कौन जिम्मेदार है? आप इस पैसों को आपने क्या किया, रिश्तेदारों को दिया है? अदर स्टेट में आप चुनाव लड़ रहे हैं इस पैसों से जाके, तो दिल्ली का पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर। तो आप उस बेनिफिट को क्या करेंगे? बेनिफिट स्पोर्ट्स में कीजिए, आप पार्किंग में कीजिए, आप रोड में कीजिए, आप हॉस्पिटैलिटी में कीजिए, आप हॉस्पिटल में किए। आपने एजुकेशन सिस्टम, 500 स्कूल की बात की, आपने 500 ठेके खोल दिए, तो ऐसे नहीं बोल सकते हम। बेनिफिट तो स्कूल से होता है, स्कूल से बच्चों को पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटल से मरीजों को होता है, किस चीज से बेनिफिट नहीं होता है? के जरिए दिखाऊंगा, ये जो प्रोटेस्ट है वो अब यहाँ से शुरू हुआ है, और महिलाएं इस प्रोटेस्ट को आप देखेंगे साफ तौर पर आगे की तरफ लीड कर रही है, और लगातार यहाँ से नारेबाजी जो है वो की जा रही है। सभी लोगों की ये मांग कि गली गली में जो शराब के ठेके खोले गए हैं उनको बंद करें, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे, इसको लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर जो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव राणा के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
तो केजरीवाल पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और उसी के तहत आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप यह है कि नई शराब नीति के जरिए घोटाला किया है आप सरकार ने दिल्ली में। आरोप यह भी है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है, ठेके वालों को फायदा पहुंचाया गया है और खजाने को नुकसान हुआ है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया है, अपनी ही बनाई शराब नीति के नियम तोड़े हैं, ये भी आरोप लगाए गए हैं। कार्टलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, दिल्ली में प्रॉफिट की गारंटी देकर रिश्वत ली गई, कारोबारियों की ब्लैक मनी को वाइट किया गया, अपने करीबी लोगों को शराब के ठेके दिए गए, शराब नीति लागू करने में कानून तोड़ा गया और दिल्ली में अब शराब बिल्कुल आम कर दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान समाज का हो रहा है। ये इस तरह की बातें इस प्रदर्शन में सुनाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।